नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। धार, बताया जाता है कि दुनिया में हर छठवें मिनट में एक शख्स की मौत का कारण तंबाकू का सेवन बन रहा है। वहीं दुनिया का हर दसवां शख्स तंबाकू चबाकर कैंसर से पीड़ित हो रहा है। ये आंकड़े आपको डराने या चमकाने के लिए नहीं बताए जा रहे हैं, बल्कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर आम जन में जागरूकता लाने के मकसद से साझा किए जा रहे हैं। हमें भोजन चाहिए तंबाकू नहीं थीम पर तंबाकू निषेध कार्यक्रम में आम लोगों को तंबाकू के दुष्परिणाम के प्रति जागरूक करने के लिए बुधवार को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर लालबाग परिसर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। धार विधायक नीना वर्मा ने तंबाकू का सेवन नहीं करने की शपथ दिलवाई और कहा कि तंबाकू का सेवन ना हम करेंगे और ना ही दूसरों को करने देंगे। तंबाकू के सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक किया। उन्होंने बताया कि किसी भी तरह के तंबाकू का सेवन करने से फेफड़ों की क्षमता कम हो जाती है और सांस की बीमारियों की गंभीरता बढ़ जाती है। विधायक नीना वर्मा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जागरूकता रैली निकालने के साथ ही हस्ताक्षर अभियान चलाया। रैली लालबाग से प्रारंभ होकर मोहन टॉकी चौराहे से होकर वापस लालबाग पहुंची। रैली में एसडीएम वीरेंद्र कटारे सहित स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, नगरपालिका कर्मचारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट शामिल हुए। दिवस पर मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये हम सब लोगों के लिए एक ऐसा विषय है जिसके कारण होने वाले जो बीमारियां हैं, जिसके कारण होने वाला पॉल्यूशन है, जिसके कारण होने वाली परेशानियां हैं, और इन सबसे ज़्यादा यदि है तो इसके कारण परिवार में जो आर्थिक परेशानियां जो आती हैं उन सबको दूर करने के लिए हम लोगों को इसका सेवन नहीं करना है। और सेवन जब तक बंद नहीं होगा जब तक कि हम खुद समाज से बहिष्कार नहीं करेंगे, हम सोशल बायकॉट नहीं करेंगे, हम ऐसे लोगों से दूर नहीं होंगे, जब उन्हें इस चीज़ का एहसास होगा तो मुझे लगता है कि हम शायद भारत कुछ इस चीज़ पे नियंत्रण कर पाए। क्योंकि सरकार ने अपना काम कर दिया है, नियम बना दिए हैं, फैक्ट्रियों का काम है उत्पादन करना, उनका अपना उद्देश्य है, उनका अपना काम है, लेकिन हमें यदि अपने आप को स्वस्थ रखना है और हमें अपने आप को परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है तो उसके लिए स्व जागृति और समाज के साथ मिलकर के हम अपने उद्देश्य में कामयाब। धार से खबर समय जगत के लिए अल्ताफ खान की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।